तेतुल मारी पुराना कांटा घर के सामने आज सील पीकर मजदूरों ने प्रेस वार्ता का आयोजन कंपनी द्वारा शोषण सहित कई आरोप लगाए। मामला विशेषज्ञ सिजुआ क्षेत्र के संख्या 5 के बस जोड़ा रेलवे साइडिंग का मामला है, जो लेकर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बस जोड़ा रेलवे साइडिंग में सेल पीकर मजदूर करीब 30 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। बस जोड़ा में संजय खेमका और प्रदीप खेमका ही कार्य कर रहा है और मजदूरों का शोषण कर रहा है। जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि सेल पिकर मजदूरों को एचपीसी के मानदेय के काम भुगतान किया जाता है और वेतन पर्ची नहीं मिलने से मजदूरों को पीएफ व अन्य कटौती संबंधित कोई जानकारी नहीं मिलता है। गोपाल सिंह ने कहा है कि खेमका कैरियर और बीसीसीएल प्रबंधन सेल पिकर मजदूरों के समस्या का समाधान नहीं करती है तो सेल पिकर मजदूर बाध्य होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे, जिसका जिम्मेदार खेमका कैरियर बीसीसीएल प्रबंधन पर होगा। बताया जाए किस मुद्दों को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे? हम लोग करीब 30 वर्ष हो गया सेंद्रा बांस जोड़ा साइडिंग में सेल पैकिंग का कार्य करते हैं। सन 2000 से 2024 तक जितने भी कंपनियां हैं उन सभी के पेटी कॉन्ट्रैक्टर मालिक प्रदीप खेमका और संजय खेमका हैं। अभी फिलहाल खेमका कैरियर बांस जोड़ा साइडिंग में 6 तारीख से काम पकड़ी हुई है और काम कर रही है। इनका भी मालिक संजय खेमका और प्रदीप खेमका ही हैं और हम लोग को अभी तक पेमेंट और बोनस नहीं मिला हुआ है। 2017 से संजय उद्योग प्राइवेट कंपनी में जो हम लोग आज तक काम किए थे, 2017 से आधा पेमेंट पर हम लोग को खटाया जा रहा है। 26 दिन ड्यूटी करते हैं और 10,825 रुपया मात्र हम लोग को पेमेंट मिलता है। अभी फिलहाल खेमका कैरियर जो काम कर रहे हैं तो इसमें हम लोग जब पेमेंट और बोनस और अपनी नौकरी के बारे में बात